ब्लड सप्लाई टू साइड और ब्लड सप्लाई टू लेग। ये खास तो बच्चों को दिया जाने वाला ट्रीटमेंट है, जब बच्चों को वो बैठ नहीं पाते हैं या अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाते हैं, उन लोगों को ये ज़्यादा अच्छा है। या उन लोगों को भी दे सकते हैं जिनको पैरालिसिस हो गया है, सर्कुलेशन की कमी है। तो हाथ से कैसे देंगे और पैर से कैसे देंगे ये दोनों समझ लीजिए। ब्लड सप्लाई टू लेग कैसे देना है ये देखिए। ब्लड सप्लाई टू लेग का मतलब है कि नीचे की तरफ सर्कुलेशन को भेजना है। तो यहाँ से, क्योंकि ये नर्व ही यहाँ से निकलेगी और नीचे की तरफ ब्लड सप्लाई को लेके जाएगी, तो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे 30 बार करना है। ऐसे 30 बार यहाँ करना है और 30 बार आपने इधर करना है ये। तो इसको बोलते हैं ब्लड सप्लाई टू लेग्स। पहले हम यहाँ तक करेंगे, इसके बाद आप घुटने से नीचे भी कर सकते हैं ताकि पूरे पैर में सर्कुलेशन जाए। तो जैसे ये कंप्लीट किया, इसके बाद ये भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा ट्रीटमेंट जो है वो यहीं तक खत्म हो जाएगा, ब्लड सप्लाई टू लेग्स इस तरीके से 30 बार ऊपर से नीचे की तरफ हम सर्कुलेशन को भेजेंगे। अब इसी को पैर से देना है तो कैसे देंगे, यहां से कुर्सियों का सहारा लेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में खड़े होंगे और पैर से इस तरीके से। तीस बार इस तरीके से रबिंग करेंगे और इसी तरीके से 30 बार यहाँ रबिंग करेंगे। ये ध्यान करना, आपका पैर स्मूथ चलना चाहिए। अगर आपको लगता है कि पैर से नहीं दे पाएंगे तो हाथ से दे दीजिए, लेकिन एड़े नहीं लगनी चाहिए, बटक्स पर टकरानी नहीं चाहिए, हिट नहीं होना चाहिए। तो ये इस तरीके से तो ये पैरों को मजबूत करने के लिए, पैरों में सर्कुलेशन भेजने के लिए ब्लड सप्लाई टू लेग्स है। ब्लड सप्लाई टू साइड, हाथ से कैसे देंगे। साइड का मतलब है कि साइड में जाना चाहिए। जब बच्चा बैठ नहीं पाता तो यानी कि यहाँ की मसल्स मजबूत नहीं है, उसकी हिप जॉइंट की मसल्स मजबूत नहीं है, तो उस कंडीशन हम यहाँ से 30 बार 1 और ये लंबर के एरिया में देना, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं देना, बहुत ज्यादा नीचे नहीं देना ये। और अपोजिट डायरेक्शन में बैठकर हम सर्कुलेशन इधर भी देंगे, जैसे मैंने इधर से दे रहा हूं तो उधर बैठकर फिर हम सर्कुलेशन इधर पहुंचाएंगे। तो उसको बोलते हैं ब्लड सप्लाई टू साइड। ठीक है, पैर से कैसे देंगे, इस तरीके से और इधर की तरफ देंगे। तो इस तरीके से ब्लड सप्लाई टू साइड देते हैं, बटक्स की कमर की मसल्स को मजबूत बनाने के लिए, पैरों की मसल्स को मजबूत बनाने के लिए ब्लड सप्लाई टू लेग देते हैं। दोनों ही बच्चों को, बुजुर्ग को या पैरालिसिस के पेशेंट को दे सकते हैं।